वेलकम टू सोशल नेटवर्क। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इस ईद पर आप लोगों को अपकमिंग कौन कौन सी टेलीफिल्म्स और कौन कौन से ड्रामा से रिलीज ईद पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को फिरोज खान और सैर खान की टेलीफिल्म देखने को मिलेगी जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से, जो कि ईद के पहले दिन आप लोगों को 9 PM के स्लॉट पर ये फिल्म आप लोगों को जियो एंटरटेनमेंट पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म में फिरोज खान और सैर खान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को सुमैरा बुखारी ने लिखा है और सैयद रमेश रिजवी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, और ये फिल्म आप लोगों को ईद के पहले दिन 9 PM के स्लॉट पर जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। के बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों को एक और टेलीफिल्म देखने को मिलेगी जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से, जिसका नाम होने वाला है प्यार तो बढ़ गया, जो कि आप लोगों को ईद के दूसरे दिन देखने को मिलेगी। ये टेलीफिल्म 9 PM के स्लॉट पर, इस टेलीफिल्म में आप लोगों को एहसन खान, अमर खान, सिदर नियाजी, अदरान जाफर देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को शकील अरसलान ने लिखा है और अली फैजान ने डायरेक्ट किया। ये ईद के दूसरे दिन 9 PM के स्लॉट पर जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से ये टेलीफिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम टीवी की तरफ से भी आप लोगों को एक टेलीफिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम होने वाला है नायाब, जिसमें आप लोगों को उसामा खान और यमुना ज़ादी इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये फिल्म आप लोगों को ईद के पहले दिन 8 PM के स्लॉट पर हम टीवी की तरफ से देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों ईद के तीसरे दिन हम टीवी की तरफ से आप लोगों को एक टेलीफिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम होने वाला है जाने कौन थे हसीना, जो कि ईद के तीसरे दिन 7 PM के स्लॉट पर आप लोगों को ये टेलीफिल्म हम टीवी की तरफ से देखने को मिलेगी। इस टेलीफिल्म में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे सोनिया हुसैन और खाकान शाह नवाज और तैमूर अकबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को हिना रिजवी ने लिखा है और काशिफ सलीम ने इस टेलीफिल्म को डायरेक्ट किया है। बाद दोस्तों आप लोगों को एयरवाई डिजिटल की तरफ से भी एक टेलीफिल्म देखने को मिलेगी ईद के पहले दिन, जिसका नाम होने वाला है तमन्ना की आरजू, जिसमें आप लोगों को मुनीब भट्ट और आप लोगों को इस टेलीफिल्म में मदिया इमाम और जान रैम्बो, सबीना रैम्बो देखने को मिलेंगी। इस टेलीफिल्म को जिया अहमद ने लिखा है और सैयद अहमद ने इस टेलीफिल्म को डायरेक्ट किया है, और ये ईद के पहले दिन आप लोगों को 7 PM के स्लॉट पर एयरवाई डिजिटल की तरफ से ये टेलीफिल्म देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एक मिनी सीरीज आने जा रही है जिसकी अनाउंसमेंट आज रात या कल सुबह जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से कर दी जाएगी। ये कौन से टाइम पर आप लोगों को ये मिनी सीरीज देखने को मिलेगी? इस मिनी सीरीज में आप लोगों को हारून कदवानी और कोमिल मीर देखने को मिलने वाले हैं। इश्क हुआ मिनी सीरीज का नाम है, जो कि ईद के पहले दिन से ईद के चौथे दिन तक आप लोगों को एक एक एपिसोड इसकी देखने को मिलती रहेगी। नौरीन मखदूम ने इस मिनी सीरीज को लिखा था और सैयद वजात हुसैन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और ये मिनी सीरीज के तौर पर दोस्तों एक सीरीज आने जा रही है जो कि तकरीबन आप लोगों को ईद के पहले दिन से ईद के चौथे दिन तक देखने को मिलेगी इसकी एक एक एपिसोड। और आज रात या कल सुबह जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से इसकी डेट भी रिवील कर दी जाएगी कि ये कौन से टाइम पर आप लोगों को ये मिनी सीरीज देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एयरवाइड डिजिटल की तरफ से आप लोगों को एक और टेलीफिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम होने वाला तेरे नाम का टैटू, और ये फिल्म जो है वो आपको ईद के पहले दिन 9 PM के स्लॉट पर देखने को मिलेगी। इस टेलीफिल्म में अरसलान नासिर और सैर हाशमी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों ईद के तीसरे दिन आप लोगों को जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से एक टेलीफिल्म देखने को मिलेगी 10 PM के स्लॉट पर, जिसका नाम होने वाला है दिलीप का आशिक, जिसमें दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे हिना अल्ताफ और मोहसिन अब्बास आप लोगों को इस टेलीफिल्म में देखने को मिलेंगे। इस टेलीफिल्म को जो है ईद के तीसरे दिन 10 PM के स्लॉट पर नशर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ईद के तीसरे दिन हम टीवी की तरफ से भी एक टेलीफिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम होने वाला है तुमसे ना हो पाएगा, जिसमें मुनीब भट्ट और यशमा गिल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके साथ आप लोगों को नादिया खान भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।